ऊपर से एकदम क्रिस्पी, ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है ये, और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो आज हम बनाएंगे वेज चना दाल बड़ा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। इसे आप इवनिंग में या मॉर्निंग में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए राधे कृष्णा दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसके लिए चना दाल ले लीजिए। एक कटोरी चना दाल थी ये, और ये मैंने पानी में भिगो दी थी करीबन 2 घंटे, तो ये सॉफ्ट हो चुकी है, आप नेल से देख सकते हैं। तो 2-2.5 घंटे पहले आपको दाल को भिगोना है, और इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्ची और अदरक 1 पीस डाल दिया है, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी मिक्सर ग्राइंडर में, और अब हम इसको पीस लेंगे। तो इसको बिल्कुल ड्राई ही पीसना है, अगर नहीं चले तो आप 1/2 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं। तो इसे हम पीस कर तैयार कर लेते हैं, और ये देखिए दाल हमारी पीस कर तैयार है, और थोड़ा सा हमें इसे दरदरा ही पीसना है। तो दाल को पीसने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, जैसे कि एकदम ड्राई पीसेंगे तो नहीं चलेगी, तो बार बार आप एक काम करिए, थोड़ा रुकिए, स्पून से चलाइए, और फिर थोड़ा रुकिए, फिर स्पून से चलाइए, तो इससे 2-3 बार में आपकी दाल पीस कर तैयार हो जाएगी, और पानी भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा, 1/2 बूंद पानी आप दे सकते हैं। और अब इसमें मैंने ग्रेट करके ये गाजर डाल दी थी, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि मैं वेज चना दाल वड़ा बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास और सब्जियाँ नहीं थी, जैसे आप शिमला मिर्च है बहुत बारीक कट करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक। अब इसमें मैंने नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है 2 चम्मच, अब कुछ मसाले डालेंगे हम इसमें। ये मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, और ये मैंने हींग डाल दी है इसमें। तो ये सारी मसाले इसमें मिल चुके हैं, और अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। और सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बारीक आपको कट करके इसमें डालना है, नहीं तो फिर आपका जो बड़ा है अच्छे से नहीं बनेगा। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, वो नमक मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है, तो इसे भी थोड़ा सा मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो अभी मेरे पास जो सब्जी थी वो मैंने इसमें डाल दी है, आपके पास घर में जो भी सब्जी है आप इसे डालकर बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब बस इसे बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम हाथ में लेंगे, इस तरीके से हाथ में रोल करेंगे, बहुत ही इजीली बन जाएगा, और बहुत ही सॉफ्ट आपको हाथों से इसे बनाना है, और इस तरीके से दूसरी हथेली पर रखकर हमें इसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है, जिससे बड़े का आकार ले लेगा। फिर से एक मैं बनाकर दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा सा हम लेंगे इसमें से डो, और इस तरीके से हाथों में रोल करेंगे, और दूसरे हाथ पर रखते हुए गोल करेंगे इस तरीके से, और धीरे से हमें इसे प्रेस कर देना है, बहुत ही आराम से। तो ये बहुत इजीली आप बना लेंगे, इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हमें जो चना दाल के जो बड़े हैं वो बनाकर पहले रेडी कर लेने हैं, बस हाथों में रोल करना है, दूसरे हाथ पर रखकर इस तरीके से फिर से घुमाना है, और धीरे से इसे प्रेस कर देना है, बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के हाथों से इसे हमें बनाकर तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने ये सारे चना दाल बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। 2 पीस और रह गए हैं, वो मैं फ्राई कर लूँ करते करते बना लूँगी। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और इसमें एक बड़ा फ्रेंड्स मैंने डाल दिया था, लेकिन जिस टाइम मैंने डाला तो कैमरा ऑफ हो चुका था, तो इसका वीडियो मेरे पास सॉरी नहीं है, तो ये पहले ही पड़ चुका है। बाकी आप देखिए मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा गैप करके इनको डालना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो बाकी बड़े भी मैंने डाल दिए हैं, और एक साथ आपको ज़्यादा नहीं डालने हैं। और ये देखिए ये तो लगभग हमारा फ्राई भी हो चुका है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डालकर घुमा दीजिए। तो ये अभी हमें हाफ फ्राई करने हैं, तो ये बड़ा हमने थोड़ी देर पहले ही डाल दिया था, तो ये फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल देंगे। तो अभी हमें हाफ टर्न करना है, तो जब बड़ा आपका नीचे से थोड़ा सा सिक जाए तब आपको करछी से पलटना है, एकदम डालते ही नहीं पलटना है, नहीं तो वो दाल है नीचे चिपक जाएगी। तो ये देखिए इस टाइम पर आपका जो गैस का फ्लेम है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि अभी हम हाफ टर्न कर रहे हैं, फिर सेकंड टाइम में हम इसे अच्छे से टर्न करेंगे। तो जब ये 2-3 सेक गए हैं, तो मैंने साइड से 2 और डाल दिए हैं, तो बस इनको भी हम पलट लेंगे, और बस थोड़ा सा हम इनको भी सेक लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स ये बड़े, और खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप चटनी के साथ में, चाय के साथ में, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हाफ टर्न हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, बस इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, इससे ज़्यादा हमें दोबारा जब हम फ्राई करेंगे तब हमें करना है। तो बाकी के ये भी निकाल लेंगे, सेक कर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमारे
जो बड़े हैं वो हाफ डन हो चुके हैं। अब हमने थोड़ा सा इन्हें ठंडा किया है, एकदम गर्म में आपको कट नहीं करना है, तो थोड़ा ठंडा करने के बाद ही हमें इसे कट करना है। तो बीच में इस तरीके से हम दो पीस कर लेंगे। गर्म करने पर मैं इसीलिए मना कर रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप एकदम गर्म गर्म बड़ा आप कट करेंगे तो थोड़ा सा टूटने का चांस रहता है, तो थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर इसको हमें बीच में से कट करना है। तो ये इसी तरीके से सारे कट कर लिए हैं मैंने, अब हम इसे वापस से फ्राई करेंगे। अच्छे से तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब इस टाइम पर आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, जिससे ये बड़े अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे और एकदम क्रिस्पी बड़े बनकर हमारे तैयार होंगे। तो इस टाइम पर आप जितने मन में आए उतने आप डाल सकते हैं, क्योंकि अब चिपकने का आपस में झंझट है ही नहीं। तो मैंने काफ़ी सारे बड़े देखे एक साथ डाल दिए हैं और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं और मैं हर 3 दिन बाद एक वीडियो डालती हूँ, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, तो हर 3 दिन बाद मेरी एक वीडियो अपलोड होती है। तो आपको कौन सी वीडियो पसंद आई है मेरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं बहुत ही न्यू रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो ये देखिए बड़े हमारे सिककर तैयार हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। सारे बड़े अच्छे से सिक गए हैं, देख सकते हैं आप कितने गोल्डन ब्राउन एकदम हो चुके हैं। तो एकदम गरम गरम बड़े अब हम निकाल कर प्लेट में रख लेंगे, बाकी के ये भी निकाल लेंगे हम, बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए बड़े हमारे सारे सिककर तैयार हैं, तो अब कर लेते हैं इसे सर्व। तो ये देखिए एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी बड़े बनकर तैयार हैं। अब आप इसे चटनी के साथ, चाय के साथ, सॉस के साथ, जिस किसी के साथ आप एंजॉय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और देखिए आप बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता और इसमें जब सब्जियां ऐड कर देंगे तो हेल्दी भी बनेंगे, बच्चों को पसंद भी आएंगे। तो देखिए चना दाल बड़े बनकर हमारे तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार बड़े बने हैं और मैं इसे चाय के साथ एंजॉय करूँगी। चटनी भी मैंने बनाई हुई है लेकिन मैं इसे चाय के साथ एंजॉय करूँगी। और ये बड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है ये, और गरम गरम खाने में ना मज़ा आ जाता है एकदम से, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाए। तो वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है। बाय बाय।